हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सन इजीमाइन ट्यूटोरियल्स दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का सनत इजीमाइन ट्यूटोरियल्स पर दोस्तों आईसीसीआर के तरफ से एक बड़ा अपडेट है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो फॉर्मेट है किस तरीके का क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे सो फ्रेंड्स आईसीसीआर हैज रिलीज ए नोटिस ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट अबाउट हाउ दे विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन मीन्स द सैम्पल क्वेश्चन सैम्पल फॉर्मैट For the MS PowerPoint, MS Excel, and MS uh, Word. So in this video, we will discuss about some of the. Uh, we will see how the questions can be solved, and you will also get to know that the questions uh, sample format which is given that is already been covered in the CPT course which is going um, which is now going on. Okay, and uh, many advanced concepts are also covered in that course. तो दोस्तों आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा सैंपल क्वेश्चन जो आईसीसीआर ने दिया है चलिए बात करते हैं ये देखिए तीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पीपीटी है एक्सेल है वर्ड है ठीक है ये तीनों का रिलीज किया गया अभी और एडमिट कार्ड जो है आपका तीन तारीख से डाउनलोड हो जाएगा तो एडमिट कार्ड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा ओके एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड यू विल गेट इट एज सुन एज पॉसिबल इन द चैनल डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए एडमिट कार्ड से रिलेटेड ओके okay? तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है सैंपल क्वेश्चन फॉर्मेट तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसके स्लाइड पर आ चुके हैं ये जो आईसीसीआर के तरफ से प्रोवाइड किया गया है सीपीटी के लिए ठीक है कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसका ये सैंपल फॉर्मेट दिया गया है देखिए ये आज ही रिलीज किया गया है दोस्तों यहाँ पे देखिए पहली बात ये स्लाइड को देख के पता चल रहा है कि ये एक पोर्ट्रेट स्लाइड नहीं है दोस्तों ये लैंडस्केप मोड में है ये स्लाइड कुछ ज्यादा ही लैंडस्केप मोड में है कैसे आपको पता चल रहा है तो नॉर्मल स्लाइड का हमारा व्यू होता है वो कुछ अलग होता है दोस्तों ऐसा नहीं होता है ठीक है कैसे आप पता कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग को जाना है जैसे ही ये स्लाइड आप खोलेंगे यहाँ पे अगर आप जाते हैं दोस्तों डिजाइन पर और यहाँ पे जाते हैं स्लाइड ओरिएंटेशन तो ये लैंडस्केप आपको नजर आएगा ठीक है ये पोर्ट्रेट है और इसके बाद अगर आप लोग जाते हैं पेज सेटअप पर और यहाँ पे जाते हैं स्लाइड साइज फॉर यहाँ पे आपको कस्टम नजर आएगा दोस्तों ठीक है ये कस्टम कस्टम करके इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट कुछ करके रखा है थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री सेवन पॉइंट फाइव और ये ऐसे किया है वरना नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं ऑन ऑन स्क्रीन स्क्रीन ठीक है है करते हैं ओके okay? तो यहां पे नहीं किया गया कस्टम है, है तो इससे हमको कुछ छेड़खानी नहीं करना है दोस्तों डायरेक्टली हमको यहाँ पे देखना है सो फ्रेंड्स यू कैन सी हियर द स्लाइड इज कस्टमली साइज्ड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द स्लाइड साइज एंड ओरिएंटेशन जस्ट यू हैव टू प्रोसीड एज इट इज बस आपको यही करते जाना है जो पे लिखा हुआ है स्लाइड से कुछ छिड़कानी नहीं करना है आपको ठीक है फर्स्ट यू है सो इन द लेफ्ट हैंड साइड सो लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पहले इंस्ट्रक्शन को देखते हैं हम लोग क्या लिखा गया है उसी तरीके से हम लोग देखेंगे ओके okay? चलिए हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आने लगे ओके सो सी हिस्सा

उसी स्लाइड को आपको डाउनलोड करना पहले तो ये पीपीटी का जो मतलब ये ये जो फाइल है ये आपको लिंक मिल जाएगा वहां पे टेस्ट पोर्टल में वहां से आपको लिंक पर क्लिक करते ही ये फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है डायरेक्टली आपको क्या करना है ये देखिए यहाँ पे एक ही स्लाइड दिया, दिया रहेगा ठीक है थीके? इसके नीचे ये दो स्लाइड नहीं दिए रहेंगे ये इसके नीचे तो दो ही स्लाइड एक्चुअली इस पीपीटी फोल्डर में फाइल में दो ही स्लाइड था ये जो तीसरा स्लाइड आपको दिख रहा है ये मैंने बनाया है दोस्तों ठीक है जो जो दिया हुआ है वो मैंने प्रैक्टिस करके बनाया है दोस्तों यहाँ से ट्राई करके आपके लिए ओके तो मैंने देखने की कोशिश की है कि, कि किस तरीके से बन रहा है ओके तो आपको बस क्या करना है ये स्लाइड आपको बस एक ही स्लाइड मिलेगा ये सेकंड स्लाइड थर्ड स्लाइड कुछ नहीं मिलेगा एक ही स्लाइड मिलेगा यहां से आपको बस देखना है और नीचे स्लाइड ऐड करना है बस क्लिक टू ऐड न्यू स्लाइड करना है बस ओके सो फ्रेंड्स लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू द व्यूअर्स हु want to listen in english see friends just you have to download the microsoft ppt file from the link provided in the test portal from there you need to click on that the file will be downloaded after that you need not do anything with the file okay just you follow the instructions they have written that you have to start your exercise by adding new slides at the bottom so you will only get one slide single slide you will get okay this is the second slide which is provided by them is the solution slide okay how the ppt will look like after you design it and the third slide it is uh, done by me okay i have tried it uh, What, whatever the instructions they have told i have followed it and i have prepared, prepared such slide okay so you will get only one single slide you just have to add a new slide okay after this and you do not have to change any design of the slide or anything you don't have to change anything this is the design they have selected just you have to click here and insert the slide आई विल टेल यू हाउ यू नीड टू डू बस आपको क्या करना है कैसे इंसर्ट करना है क्या करना है ओके okay? ये सब आपको अच्छे से पता चलेगा जब एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा इसके ऊपर पावर पॉइंट के ऊपर आई विल मेक ए डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग दिस पीपीटी हाउ टू मेक दिस ओके नेक्स्ट इट इज रिटर्न इसके बाद क्या लिखा है 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 दोस्तों देखिए, तो आपको आपको ये जो sample picture दिख रहा है, इसी तरीके से आपको बनाना है और कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर एक्जैक्टली दिस सैंपल पिक्चर हाउ इट इज हियर ओके यू हैव टू प्रिपेयर दिस बाई फॉलोइंग सच हियर एट द राइट साइड ओके देखिए पहले आपको एक नया स्लाइड लगा, बनाना है लेकिन फिर भी आपको मेंटेन करने से अच्छा है और ये आपका मिडिल अलाइन रहेगा सेंटर में रहेगा बॉक्स का और लेफ्ट अलाइन रहेगा ठीक है मिडिल एंड लेफ्ट ओके इस तरीके का रहेगा तो यू हैव टू फॉलो सच थिंग यू है

ठीक है ये आपको लगाना है इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है इंसर्ट ए स्क्वायर एंड राइट कंटेंट सो यू हैव टू इंसर्ट स्क्वायर देश और यहां पे आपको कंटेंट लिखना है दोस्तों ठीक है जो लिखा गया है कुकीज सेल्स चौकोस ये सब लिखना है एक्जैक्टली exactly यही लिखना है ओके एग्जैक्टली यू हैव टू कॉपी दिस थिंग इन एरियल फॉर्म साइज टेन बिलो पाई चार्ट ओके पाई चार्ट इज ए सर्कल डिवाइडेड इन टू सेक्शन ओके सो आई विल सजेस्ट एवरी वन इफ यू गेट लाइक दिस like this if you get in your examination directly you can copy from here okay you directly you can copy the content from here see this is the content copy it from here up to this then press Ctrl+C c or right click and copy then you need to paste in your slide where you are preparing okay suppose in this slide i will copy and paste it here okay like this तो आपको क्या करना है दोस्तों मैं बोलूंगा कि जिन जिन का भी ऐसा अगर आपका क्वेश्चन में आया इस तरीके से अगर आप इसको मतलब ऐसे आप इसको एडिटेबल फॉर्म में है अगर एडिटेबल फॉर्म में नहीं होगा पिक्चर फॉर्म में होगा तो आपको टाइप करना पड़ेगा इफ इट इज नॉट इन एडिटेबल फॉर्म इट इज इन ए पिक्चर फॉर्म जेपीजी फॉर्म देन यू हैव टू टाइप इट देर इज नो ऑप्शन बट इफ इट इज रिटर्न लाइक दिस अगर ऐसा लिखा है तो आप लोग बिल्कुल से इसको कॉपी कर लीजिए कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए बहुत ही ईजी रहेगा आपके टाइम बच जाएगा ठीक है इन्सर्ट स्क्वायर सेफ दें यू हैव टू राइट कुकी सेल्स यहां आपको लिखना है बिलो पाइचार्ट राइट कंटेंट आपको कंटेंट ये लिखना है पाइचार्ट इन द बिलो द पाइचार्ट दिस कंटेंट यू कैन सी फ्रेंड्स हियर इन द सॉल्यूशन स्लाइड यू हैव टू राइट दिस कंटेंट ओके दिस कंटेंट यू हैव टू राइट दि�

after every 2 uh, minutes 3 minutes or 5 minutes you press control s so that there will be no loss of data if uh, the power supply is not there okay agar power supply nahi rahega to data loss nahi hoga okay uske baad aapko upload karna hai file ko click karke choose file tab okay, जैसे हमने CPT का एक आपको मिल जाएगा video CPT का जो memory based CPT है जो हुआ था उस वहां पे जाके देख लीजिए ओके okay? या फिर आप course भी join कर सकते हैं दोस्तों कोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया कोर्स चल रहा है दोस्तों आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से ओके तो ये बहुत इजी दिया है इन्होंने ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों ओके उसमें इस तरीके का आपको भी क्वेश्चन एक दो करवाया जाएगा जिसमें आपको आप प्रैक्टिस हो जाएगा और ऐसा आपका ट्यूटोरियल मिला है दोस्तों आप ट्यूटोरियल में सब चीज सीख सकते हैं बस ये नहीं अगर आप ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज आप सीख सकते हैं सारे टैब्स के बारे में बताया गया है

ओके बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस आपको इसी तरीके का बनाना है इमेज जो टेबल बनाना है और ये करते हुए, क्या इंस्ट्रक्शन देखिए दोस्तों पे आपका दिया गया है? आप देख सकते हैं साइज तो बारह है, का हेडर विद ऑरेंज कलर एंड रिजल्ट विद ब्लू कलर जो रिजल्ट है आपका देखिए एवरेज रिजल्ट है ये ब्लू कलर में है और ऊपर जो आपका मेन है ये आपका ऑरेंज कलर में ठीक है थीके? ये सब्जेक्ट वेट स्कोर दिस इज इन ऑरेंज कलर दिस इज ओनली

so then the next is so here the solution is there they have prepared here see the name name is given okay then this is the roll number so see here name they have uses uh, use the font calibri calibri font unhone use किया है okay 11 size का आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये यह आपका है जो um, cell है यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे cell पे click करके आप देख सकते हैं font is calibri and size is 11 okay and this is middle aligned then next roll number again the same cheese font uh, calibri 11 middle line again in vinita agar click click and then vinita also calibri 11 this is this one okay but they have not merged it they have not merged it because merge is disabled here if you click if you click here you see everything is there see here it is merge and center wrap text also and this one and this one also everything is there okay all these tutorials will you will get in detail okay in the course Everything will be cleared. So here it is nothing mentioned about this that you have to merge and center, you have to wrap text or you have to keep it center left align or whatever. Okay, ye kuch mention nahi kiya gaya ye sab aapko karna hai karke lekin aap kar sakte hain अगर कुछ mention नहीं किया तो आप normal जो करना है वैसे कर दीजिए। या merge कर भी देंगे तो कोई problem नहीं है। If I merge it, then also no problem. Uh, click here, see it is merged now. Okay, no problem in this. You can do, because कुछ mention नहीं है, okay?

So here, if you check, you will get the formula again. Here, if you check, you will again get the formula C34 to C36. Okay, C34 to 36, 85 plus 76 plus 81 is 242. Here, if you do manually, you will you will uh, be caught. Okay, you will get mark because this formula will not be displayed. Then again, average it will be blue in color. Okay, don't merge this is not told, so not necessary. And here, if you click 80.67, it is the average function is used. Okay, this is only. So very easy Excel. ओके okay, ये तो बहुत सिंपल है इससे बहुत ज़्यादा एडवांस में आपको कराया जा रहा आपका सीपीटी जो हुआ था दस तारीख को एक पूछा गया था तो बिल्कुल से पूछा जा सकता है दोस्तों okay? नेग्लेक्ट मत कीजिए इसको इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है आपका यूट्यूब चैनल पर आप फ्री वीडियो अवेलेबल है आप उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा यहां पे आइट बटन पर मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं ठीक है और सीपीटी कोर्स में आपको ज्वाइन करना है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपको वर्ड में क्या दिया देखते हैं लेटस गो टू वर्ड ओके इन वर्ड यू कैन सी अगेन यू आपको यू हैव टू डाउनलोड दैट फाइल ओनली एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स आपको वही फाइल डाउनलोड करना है जो दिया होगा कुछ नहीं करना है क्या लिखा गया देखिए यूज द सेम डाउनोडेबल वर्ड फाइल एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइज बाय एडिंग द ब्लैंक पेजेस आपको ब्लैंक पेज ऐड करना है बॉटम में एंटर एंटर प्रेस करते जाना है तो पेज अपने आप ऐड होता जाएगा नीचे ठीक है देन रिप्रोड्यूस द कंटेंट ये आपको बनाना है जो इंस्ट्रक्शन दिया गया ऐसे जो बोल्ड में लिखा हुआ है बोल्ड करना है आपको ये जो फॉन्ट है वो सब फॉन्ट वैसे ही करना है ये देखिए वुहान और चाइना ये दोनों क्या इटैलिक में किय वुहान एंड चाइना रिटन इन इटैलिक फॉर्म सो यू हैव टू राइट इन इटैली फॉर्म अगेन मिड डिसंबर अगेन द बोल्ड पार्ट टू गिव बोल्ड एंड दिसलेट ऑल्सो यू हैव टू गिवे बाई फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन जो नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको देना है ये देखिए टाइप द कंटेंट इज मैं ये कंटेंट आपको टाइप करना है यू हैव टू टाइप इन एरियल फोर्ट साइज चौदह आपको रखना है देन यू हैव टू मेक इट बोल्ड देन बोल्ड करने आपको देन ऑल्सो मेक श्योर द विच आर इन इटालिक्स ऑल्सो अंडरलाइंड ओके जो इटालिक्स अंडरलाइंड है अंडरलाइन तो कुछ नहीं है इटालिक्स में तो नथिंग इज अंडरलाइंड बट इटालिक्स इज देयर यू कैन सी द वुहान एंड चाइना इज रिटन इन इटालिक्स फॉर्म हियर ओके सो यू हैव टू मेक दम इटालिक ओके

यूनिट टू सेव द डॉक्यूमेंट लाइक दिस यू हेट टू राइट वर्ड देन वन टू थ्री फोर वर्ड लिख के underscore de देखिए रोल नंबर लिखना है अगेन वही सेम चीज है ओके okay? देखिए इस तरीके से नेम और रोल नंबर इन्होंने लिखा गया है यहाँ पे नेम और रोल नंबर आपको देना है तो इन्होंने क्या कर दिया इसको बस बोल्ड कर दिया बाकी सब सेम है फॉन्ट देखिए एरियल है फोर्टीन है सो हीज केप्ड एरियल फॉन्ट एंड फोर्टीन साइज ओनली मेरिट बोल्ड ओके अकॉर्डिंगली यू विश यू कैन मेक इट बोल्ड यू काट मेक इट बोल्ड ओके एनीथिंग एल्स अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा गया है Also make sure the words which are in italics are also underlined. Okay okay. I missed one thing. यहाँ पे लिखा गया है जो italics में उसको आपको underline करना है. The words which are in italics you need to underline. Means Wuhan and China need to be underlined. Here see, Wuhan and China are underlined here. Okay. ये आपको mention करना है. Wuhan and China are underlined. Next you can see you can select this and uh, check the font. Arial and 14. Okay. Arial है 14 है. Maintain किया गया है. ये bold है सब चीजें. और ये जो box ये कैसे दिया गया है आप उसको पूरा select कीजिए content को. So, select all the content then go to here. गो टू बॉर्डर एंड शेडिंग्स टू चेक द बाउंड्री ओके यहाँ पे जाइए आप यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं सी दिस वन इज सिलेक्टेड ओके दिस वन इज सिलेक्टेड बॉक्स एंड हियर सी दाइल इज दिसर ऑटोमेटिक मीन ब्लैक कलर एंड हाफ पॉइंट विथ दिस हाफ पॉइंट सो अकॉर्डिंगली इफ यू डोंट आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके कर देख लेना किस तरीके से मैच कर रहा है जो फोटो उन्होंने दिया हुआ है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेना अगर उन्होंने नहीं लिखा है इफ दे है

और मॉक टेस्ट का सोल्यूशन रहेगा इसके बाद आपका कुछ ट्यूटोरियल भी रहेगा जैसे कि सिर्फ न कि मॉक टेस्ट में सारा चीज तो कवर नहीं होता है ना बहुत सारी चीज ऐसे हैं जैसे कि टैब्स वगैरह है इंसर्ट होम इस सब सब चीज आपका एक एक करके ट्यूटोरियल आपको मिलता जा रहा है ठीक है अभी आपका पीपीटी खत्म हुआ है पीपीटी बहुत अच्छे से खत्म किया गया है ठीक है पीपीटी का और उसका सारा ट्यूटोरियल्स भी खत्म किया गया है सभी आपको व्हाट्सएप पे आपको कंटेंट्स मिल जा रहा है ओके ऑल प्रोवाइडेड इन व्हाट्सएप एंड बेसिक्स एंड मींस ऑल द थ्री ओके एंड द लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ओके अकॉर्डिंगली प्रीवियस सीपीटी विच वॉज कंडक्टेड पार्ट एंड ऑल्सो द फॉर्मैट विच दे है And a complete package you will get only at rupees 49, and very minimal price. What you need to do for the payment, you just uh, go to the description link, there you will get the link for payment. Then do the payment and uh, just provide the screenshot of the payment at this email id okay, easymindsanath at the rate 12 at the rate gmail.com. This email id mind easymindsanath 12 at the rate gmail.com. And one more thing after doing the payment, you just need to you just need to provide your whatsapp number okay you just need to provide your whatsapp number at which at this uh, i am writing this okay see your friends you need to provide your whatsapp number at this number 9 7, seven, seven nine, five, six, 2 टू टू ओके आई थिंक इट इज विजिबल नाइन ट्रिपल सेवन नाइन ट्रिपल सेवन नाइन फाइव सिक्स ट्रिपल टू तो आपको क्या करना है आपको पेमेंट करना है यू नीट टू डू देमेंट ओके यू नीट टू डू द पेमेंट इन दिस ईमेल आई डी यू नीट टू सेंड योर पेमेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट इजी माइंड सन ट रेट जीमेल डॉट कॉम देन यू नीड टू डू वॉट यू नीड टू सेंड योर व्हाट्सएप नंबर

जितना हो सके मैं कर रहा हूँ दोस्तों और अभी तो मेरे नाना जी भी गुजर गए मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी थोड़ा बिजी है लेकिन फिर भी आपको सारे कोशिश की जा रही है आपको सभी वीडियोस मिलते रहे ओके माय पैटर्न मैटरनल ग्रैंड फादर पास अवे जस्ट टू डेज प्रायर टू डेज एंड दिस टाइम आई एम वेरी मच बिजी नाउ बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल दीडियोज एंड ऑल द